पैसे मांगे, मना कर दिया, मैंने इसे मार डाला। मेरी दीदी को मारा, तुम्हारी माँ को, तो तू ही बता मैं क्या करता। अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो कल को हमें भी मार सकता था पैसों के लिए। अब कभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं जेल चला जाऊंगा, फिर तुम्हें कौन देखेगा। अगर तू नहीं चाहता कि मैं जेल जाऊं तो तू मेरे लिए एक काम करेगा थॉमस? तू छोटा बच्चा है, ये इल्जाम तू अपने सर ले ले, तुझे कम सजा होगी। मैं 19 साल का हूं, अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत लंबी सजा होगी मुझे। तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा थॉमस? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं, तो क्या तू मेरे लिए करेगा? जो कर ले अपनी मुट्ठी में जकड़ ले है यम से भी कराता जो तांडव, जो पार्थ है निशाने में बाजुओं से भीम है जो पूरा पूरा वो पांचों पांडव, जो सारथी है धर्म का पुजारी है कर्म का जो आईना है उसका सारा जीवन, जानता ना कोई है उसके दिल में कैसी कर्म। कर्म ही सबसे बड़ा, 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 कर्म ही सबसे बड़ा। मैं परमपिता की तरफ से तुमने जो भी गुनाह किया है वो सुनकर तुम्हें क्षमा दिलवाऊंगा। वैसे तुमने किया क्या है? डेविड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मेरे पापा को उसने खून कर दिया। मैं अपने डेविड से दिल से प्यार करता था फादर, लेकिन मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कैसा है समाना, कैसे पहचाने कौन अपना पराया, सच्चा कौन अच्छा एक बच्चा, कैसे जाने भला बताओ इस समाने में, आँख में तपे सोना जो भरे, सूर्य जैसे आसमां को रोशनी जो दे, विरोधी उसे एक दिन कहे बाबा। कर्म ही सबसे बड़ा, 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 कर्म ही सबसे बड़ा। वाह वाह, परम 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 पर
चपड़गंज भांजे, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मैंने तुझे डरा दिया ना? डेविड, आखिरी बार देखा तब तू बच्चा था और अब तेरी दाढ़ी में उछ आ गई है, तेरे हाथ में सिगरेट है, बहुत बदल गया है तू। लेकिन कोई बात नहीं, बस स्मार्ट लग रहा है। तुम भी तो बदल गए हो, दाढ़ी सफेद हो गई है, उम्र हो गई है तुम्हारी। कैसा है तू थॉमस? मैं तो ठीक हूं, तुम? देख ले कैसा हूं। कभी कभी भूख ही नहीं लगी और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले। मुझे अभी भी याद है उस दिन ने मेरी जिंदगी के 14 साल छीन लिए। पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो? मेरी गलतियां बताने के लिए ना? मैं यहां तेरी गलती बताने या तुझसे बदला लेने नहीं आया हूं। तुझे लगता होगा कि तेरे बाप को मैंने जल्दबाजी में मारा, लेकिन एक बात तुझे मैं क्लियर कर दूं, अगर वही काम मुझे फिर से करना पड़ा तो मैं करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। ये बहुत ही छोटा सा फ्लैट है मामा। ऐसे बोल रहा जैसे मैं किसी महल में रहकर आया हूं। Who are your disturbance? Hey? Who this guy? मेरे मामा। मामा? मुझे आज तक पता नहीं था कि तुम्हारा मामा भी है। Hi, I am Franco de Souza. You? I am David. David, come here. तुम आखिरी बार कब ना आए थे? तुम्हारे नहाने के लिए पानी निकालता हूँ। Ronaldo, Pele, मोटा राजेंद्रन, पावर स्टार। तुझे और भी काम नहीं है क्या? हाँ, ये ले छील इसको जल्दी। तुम होने वाले फुटबॉल प्लेयर को ऐसा कैसे बोल सकता है? हैं? अच्छा वो सब छोड़। How many days Mama is staying here? Tell me. 2 हफ्ते तो रहेंगे। ओ, चल ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे मामा अब तक कहाँ थे? मामा 15 साल जेल में थे। अरे वो तो बहुत अच्छी जगह है बेटा, फिर वहां से बाहर क्यों आ गए? उनसे पूछा क्या? ओके चल, क्या कर सकते हैं, ये तो उनका नसीब है। मेरे शिफ्ट का टाइम हो गया, मैं जाकर के सब्जियां लेकर आता हूँ। यहाँ आने वाला हर आदमी सिगरेट पी लेता है। चाइल्ड चाइल्ड अपना मोबाइल साइलेंट करना। हम चले क्या यहाँ से? तुम्हें कोई पकड़ेगा और फिर तुम भागने की कोशिश करोगे। एकदम सही कहा, गुड नाइट। क्या सही कहा? तुम भी चलो ना हमारे साथ, फिर देखते हैं कि कौन भागता है। चल बे। अरे ये वाली नहीं, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, कोई और बाइक ढूंढते हैं। चल चल रहा है। चाइल्ड चाइल्ड ये भी नहीं, इस बाइक का एडवर्टाइजमेंट में बहुत एक्सीडेंट होता है। तो, ये बाइक का शोरूम है क्या? नहीं ऐसे पागल पर। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सेफ्टी के बारे में सोच रहा था।
9101. अरे इस नंबर का किस्त तो मैं भर रहा हूँ. इसको छोड़ देते हैं यार प्लीज. है क्यों, क्या हुआ? ये मेरी तितली की गाड़ी है. अबे उसकी तो शादी हो गई है ना. मैं उसे प्यार करता हूँ यार. तुझे बाइक चाहिए ना, वो बुलेट चलेगी क्या? है? ए, वो पुलिस की गाड़ी है. अगर ये पुलिस की गाड़ी है तो सामने जो आ रही है वो किसकी गाड़ी है? अरे पुलिस, अगर उन्होंने हम पे हाथ उठाया तो हम आंदोलन कर देंगे. हाय, मौत हो गई, चल सोते हैं. मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है. किस लिए? एक ज्योतिष ने ऐसा कहा था, सिर्फ 2 महीने गुरु मेरे साथ रहेगा. चाइल्ड, हु इज दिस गुरु? एक तो मुझे अमीर खानदान में पैदा होके रॉब झाड़ना था. बैड वर्ड्स. या फिर स्वर्ग से पैसों की बरसात होनी चाहिए. मुझे पता ये नहीं होगा, इसलिए मैं और मेरा पार्टनर मिलकर एक बैंक को लूटने का प्लान बना रहे हैं. थॉमस, ये बाइक चोरी जैसा नहीं है. अगर पकड़ा गया तो जिंदगी के 10 साल तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी. तो फिर क्या, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी तरह जेल में जाऊंगा? जेल की जिंदगी तुझे बदल देगी थॉमस, तेरा आत्मविश्वास तोड़ देगी और तुझे खोखला बना के रख देगी. तुझे क्या चाहिए? पैसे ही ना. मैं दे दूंगा. तुम मुझे पैसे दोगे? ये खुद हमारे पैसों पे जी रहे हैं. कौन बोल रहा है? अच्छा मजाक है. मेरे पास किडनैप का एक प्लान है. ये इतना इजी नहीं है चाइल्ड. अगर पकड़े गए ना तो जिंदा जला दिए जाओगे. मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पहले से प्लानिंग कर चुका हूँ. बहुत पैसा है, उसमें से मैं तुझे शेयर दूंगा. देखो बस हमें पता है किस्मत कैसे बदलनी है. अगर ऐसा है तो आज की शराब हमने उधारी में क्यों खरीदी? कुछ नहीं हो सकता अपना. थॉमस, मुझे तेरी मदद करनी है, मना मत कर. मैं तुमसे ऐसे पैसे नहीं ले सकता. ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, क्या कहते हो? ए चुप रे बे, मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा बनूंगा. 50-50. बोलो मामा, डील या नो डील? तो कहां से शुरू करें? क्या चीज? तो भूल गया, किडनैपिंग 50-50. अच्छा, और वैसे किडनैपिंग ही क्यों करनी है? वो लैंड ग्रैबिंग, चेन स्नैचिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब बहुत रिस्की हैं. पकड़े गए तो गए काम से. किसे किडनैप करेंगे? मुझसे मत पूछ, वो तेरा काम है. नाम है प्रतीक, उम्र 21 साल है, पापा ज्वेलरी शॉप के ओनर है. दूसरा ला. नाम है श्वेता पेरुमल, उम्र 26 साल, इसके पापा रियल एस्टेट बिल्डर है. किसे अटेम्प्ट करना चाहिए? इसे. लड़कियों को लेकर फैमिली में सेंटीमेंट ज्यादा होता है. उसके पापा पैसे लेकर भाग कर आएंगे, ये मैं जानता हूँ. बैकग्राउंड चेक किया है, इकलौती बेटी है. और बता उसके बारे में. पेंटर, डांसर है. हाइट 5.5 और वेट है 60 किलो. वेट? अरे और क्या, उसे उठाना पड़ेगा ना. गुंडे, पुलिस, पॉलिटिशियंस के साथ कोई संबंध? नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है. मेडिकल प्रॉब्लम है कोई? ठीक है, कब उठाना है? रोज सुबह 5 से 6 डांस क्लास में रहती है ये, उसके बाद में. कितने मांगेगा? तुम बताओ. इन्फॉर्मेशन तू लाए, तू बता. आठ करोड़.
ठीक है। अपने लिए की काफी है। ध्यान से सुन, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत सीरियस है। बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह काम करना होगा। एक गलती की तो सीधे सलाखों के पीछे। मैं अभी जेल काट के आया हूँ, वापस जाने का इरादा नहीं है। ए, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया ना, फालतू में दिखावा करने की जरूरत नहीं है। चलो 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 और आगे, जल्दी जल्दी, राइट 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 राइट, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे।
आई थिंक यू शुड सी दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ऑन इको फ्रेंडली हाउसिंग. आजकल की युवा पीढ़ी एनवायरमेंट को लेकर बहुत परेशान है. आई थिंक वी शुड ऑल्सो कंसिडर दिस इन आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. क्या है, मैं मीटिंग में हूँ ना. सर बेबी घर पे नहीं आई है. क्या आपको बताया था कि वो लेट आ रही है? पर ये बात मुझे कैसे पता होगी, वो कॉलेज गई होगी. वो सुबह जल्दी डांस क्लास के लिए निकल गई. एक्सक्यूज मी, वो सुबह जल्दी डांस क्लास के लिए निकल गई थी. बेबी को अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आई नहीं है. तो क्या तुमने इसे कॉल किया? मैंने बहुत बार बेबी को कॉल करने की कोशिश की लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए सोचा आपको बता दूं. हो सकता है किसी फ्रेंड के घर पे गई होगी, थोड़ा इंतजार करके तो देखो. ठीक है सर. सुबह होते ही बिरयानी. हाँ जरा थोड़ा तो सीरियस रहना सीख तू. मामा तुम्हें पता नहीं है ये कितनी बड़ी बात है, हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, उसके लिए अच्छा खाना जरूरी है. तुझे इस वक्त कहाँ से मिल गई है? जानता था इतनी सुबह नहीं मिलेगी, इसलिए रात में ही खरीद के रख ली. गलती की मैंने बहुत बड़ी जब तुझे इस मामले में लेके आया. क्या मुझे दो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो. चुपचाप खा. थॉमस हमें काम को बांटना पड़ेगा. तू यहीं लड़के के पास रहे, मैं इसके बाप को फोन करता हूँ. बाहर जाना, उससे पैसे लेना, ये सब मैं देख लूँगा. आज रात तक हमें पैसे मिल जाएंगे. अगर पुलिस की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई तो कल सुबह होने से पहले ही हमें भागना होगा. तो तैयार रहना. मामा हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना? मैंने एक गलती की है, अब ऐसा नहीं होगा, मेरा भरोसा कर. हमें उसकी फोटो खींचनी है, जल्दी से कह दो. अगर तुझे अभी भी पता नहीं चला कि तू यहां पर क्यों आई तो मैं बता दूं. सुन ले, हमने तुझे किडनैप किया है. हमें पता है कि तू अमीर बाप की बेटी है. तेरे बाप से हमने कुछ पैसों की मांग की है. पैसा देगा तो तुझे छोड़ देंगे, लेकिन तू यहां से जिंदा जाएगी या मुर्दा ये तेरे बर्ताव पर डिपेंड करता है. समझ गई ना? अगर तूने ऐसा कुछ काम किया जिससे हमें प्रॉब्लम हुई तो इधर देख, ये चाकू देख ले, इससे तेरा गला काट दूंगा जिससे खून तो बहेगा लेकिन दर्द नहीं होगा क्योंकि पल्स रेट ड्रॉप होगी और तो आराम से मर जाएगी. सुन मैं उसके बाप को फोटो भिजवाता हूं, उससे ज्यादा चोंच मत लड़ाना. बी केयरफुल. वन हाउस 2 लैक्स, 600 × 2, 12 करोड़. Nothing. Sure? Yeah. I'll be back. नटराज सर. हाँ नटराज बोल रहा हूँ. मैं पेरुमल बोल रहा हूँ सर, कुछ याद आया? हाँ बोलो पेरुमल, कैसे हो? मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया. क्या है? Wanna play hide and seek? Okay. We'll hide and you count and come forward. No, not Danny. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Dad. Oh,
ये क्या है बेटी? बेटी मुझसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, मैं उसे मिलकर आता हूँ, तुम कार्टून देखो, हाँ? ओके? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग परमल, अंदर आ जाओ। अब जरा शांत हो जाओ और बैठ जाओ। मुझे लगता है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। सर अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो मेरी बेटी को मार देंगे। तो क्यों उन्होंने? अब इस तरह की बातें तो सारे किडनैपर्स करते हैं पेरुमल। लेकिन पुलिस के अलावा किसकी मदद ले सकते हो पेरुमल? पुलिस के सपोर्ट के बिना तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगे, मेरी बात मानो। सर मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, इसकी एक और वजह भी है। बैठो। दो हफ्ते बाद मेरी बेटी की सगाई है। लड़के की फैमिली बहुत ही हाई स्टेटस की है। अगर उनको पता चल गया कि ये किडनैप हो गई है तो वो बेवजह उस पर डाउट करके इस शादी को रोक सकते हैं सर। किसी दूल्हे पर डाउट होने की वजह से कभी कोई शादी रुकी है क्या? ये बताओ, तुम बेटी को घर सुरक्षित लाना चाहते हो या किडनैपर्स को पकड़ना भी चाहते हो? सर मुझे यकीन है वो ज्यादा फिरौती मांगेंगे। हाँ। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें पैसे दिए बिना अपनी बेटी को छुड़वा सकूं तो? ये सब तो ठीक है पेरुमल, लेकिन मैं तो अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। शादी के 30 साल के बाद, कई मन्नतों के बाद मेरी बेटी पैदा हुई थी। मेरी बेटी प्रिया 3 साल पहले वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज से इसे डायग्नोज किया गया है। सीधे शब्दों में कहूं तो इसके हार्ट में होल है। हर एक दिन जैसे गुजरता है वैसे इसकी ताकत का लेवल कम होता जाता है। सीवियर ब्रीदिंग ट्रबल, हर वक्त थकी रहती है। हाइपोथर्मिया के बारे में कभी सुना है? पेशेंट को कभी भी फीट आ सकता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रिया, प्रिया, प्रिया बेटी, प्रिया, प्रिया बेटी, शांति रहो, प्रिया बेटी, प्रिया, प्रिया बेटी, सांस लो, अभी अच्छा लगेगा, ठीक हो जाएगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त चेक करना पड़ता है, इसलिए एक हीटर उसके आसपास रखना जरूरी है। ये 8 साल की है लेकिन दिन में 18 टैबलेट्स खाती है। हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता है उसकी देखभाल के लिए। शी कैन नेवर बी अ नॉर्मल किड। इसे अकेला छोड़कर मैं किसी काम के लिए नहीं जा सकता हूं, मेरी बात समझो पेरुमल प्लीज। सालों से मेहनत करके और समय और सेहत की परवाह किए बिना हमने पैसा कमाया और हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होने दी, और अचानक कोई हमारे बच्चे को किडनैप करके फिरौती के लिए करोड़ों मांगेगा। सर तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी बच्ची कैसी है, उसने कुछ खाया भी या नहीं। मैं बहुत टेंशन में हूं सर। पिक्चर्स दिखाओ मुझे। सर आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और आपको जिनकी जरूरत है उन्हें यहां बुला लीजिए, उसका पूरा खर्चा मैं दूंगा सर। वो वॉइस जरा प्ले करो। हमने तुम्हारी फूल सी बेटी को किडनैप किया है और वो सही सलामत है, तो अगर तुमने हमारी बात मानी और पुलिस को इसमें शामिल नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा मिलेगी।
तुम्हारी बेटी आखिरी बार कहाँ दिखी थी? 5 to 6 डांस क्लास सर। और तुम्हें किसी के ऊपर शक है? नहीं सर। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे केसेस में किडनैपर्स ज्यादातर अपना कोई बहुत करीबी ही निकलता है। नहीं सर। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी बेटी जिंदा है या नहीं उस वॉइस मैसेज का रिप्लाई भेजो। वो लोग बेवकूफ हुए तो तुम्हें तुरंत कॉल करेंगे और तुम्हारी बेटी से बात करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सब कुछ ठीक है ना? वो लड़की जिंदा है नहीं, ये प्रूफ उसके बाप को चाहिए। प्रूफ? ऐसा नहीं लगता कि ये उसका डाउट है। अगर उसने पुलिस की मदद ली होगी तो? राधा जी। सर कौन है जरा देखो। थॉमस का है सर। क्या वो काम चोर पता नहीं किस मुसीबत को दावत दिया होगा। हेलो। ए फ्रैंक, पेरुमल कहाँ है? ऑफिस में है चाइल्ड। तुझे कैसे पता? उसकी कार ऑफिस के बाहर है, मैं उसी गेट के बाहर वॉचमैन के साथ हूँ। दे मुझे। पुलिस को देखा वहाँ आसपास क्या? ओ मामा जी, मैंने एक भी पुलिस नहीं देखा मामा जी। सिविल ड्रेस में? हमारे गांव के पुलिस वालों को आप नहीं जानते मामा, सिविल ड्रेस में हो तो शूज से पहचान लिए जाते हैं। मैं अपनी दादी की कसम खाकर कहता हूँ मामा, पेरुमल के ऑफिस के बाहर कोई पुलिस वाला नहीं है। डेविड मामा, इफ यू डोंट माइंड, 20 rupees का एक टॉप अप कर देंगे प्लीज मामा। ओ अरे मामा, रख दिया फोन, इसके पास भी सिगरेट खरीदने का चिल्लर नहीं है लगता है। राधा। यस सर। ककड़ी चेंज कर दो जरा। ए प्रूफ का क्या करें? उसकी फोन पे डैडी से बात करवा देते हैं। दिमाग में गोबर भरा है क्या? अगर हमने उसे एक भी कॉल किया तो आसानी से ट्रैक हो जाएंगे, और कॉल करने के लिए उसको बाहर लाना बहुत ही रिस्की है। क्या करें? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। हम तुझे छोड़ देंगे, चले पकड़ जरा, मैं अभी आया हूं। तेरा बाप बहुत होशियार है, तो जिंदा या मर गई इसका प्रूफ मांग रहा हमसे। तो तुझे क्या करना है पता है ना? हाँ, इस कैमरे में देख और बोल, डैडी डैडी मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे आकर अभी बचा लो प्लीज डैडी। पुलिस के पास मत जाना, और इन्हें जो चाहिए वो इन्हें दे दो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे, समझ गई? चल बोल, चल बोल। डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये जो कह रहे वैसे कीजिए। ए, तुझे क्या किसी फिल्म की शूटिंग लग रही है? ऐसे बोलेगी तो पैसा कौन देगा? जरा इमोशन ला, इमोशन। तेरे बाप को लगना चाहिए कि तू सच में किडनैप हुई है, तभी जब वो ये वीडियो देखेगा तो तुरंत हमें पैसे ला कर दे देगा, समझ गई तू? ए, चलो जा शुरू। उसके सामने ऑर्डर मत दिया करो प्लीज। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? यही कि तू पट्टू है। हम लोग जब बराबरी में होंगे तभी वो हमसे डरेगी। बेटा अब सो जाओ। फाइंडिंग डोरी मुझे देखनी है डैडी। अभी डैडी को थोड़ा काम है बेटा, जैसे खत्म हो जाएगा वो आएंगे फिर देखेंगे। डील? डील। डैडी, टाइम इज 10:30। हम सॉरी।
टॉय टॉय टॉय। तुम दिन ब दिन अमीर होती जा रही हो। इसे देखो पेरुमल, डांस क्लास के सीसीटीवी फुटेज से हमें ये क्लिपिंग मिली है। नंबर प्लेट ओरिजिनल है या नहीं ये पता करना पड़ेगा। मुझे कुछ फोन कॉल्स करने हैं, दो मिनट में आता हूँ। ओके सर। मैं नटराज बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। TN10AB8002 ये किस नाम से रजिस्टर्ड है मुझे बताओ। ये मिस्टर मगेश के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। मगेश, उसका फोन नंबर दो मुझे। जी सर, 9962008706। ओके। हाँ मिस्टर मगेश। हाँ सर, आप कौन? मैं नटराजन हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। मारुति इको, आपके पास ये गाड़ी है? हाँ सर, वो लेकिन चोरी हो गई थी, दो दिन पहले मैंने कंप्लेंट की थी। कहाँ? सेंथम पुलिस स्टेशन पर सर। ओके। मिस्टर पार्थ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोलिए सर। मिस्टर मंगेश नाम के आदमी ने मारुति इको कार की मिसिंग कंप्लेंट की है क्या? हाँ सर, एक FIR फाइल की है, एक आई विटनेस भी है। वेरी गुड, आई विटनेस भी है। ठीक है, उस आई विटनेस को मेरे घर पर भेज दो और उसके साथ विटनेस स्केचिंग आर्टिस्ट को भी भेजना। ठीक है सर। हामिद, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। यस सर, बोलिए ना। इंटेलिजेंस से कुछ ऑफिसर्स और कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों को मेरे घर पर भेजो जरा। मैं भेजता हूँ सर। एसी से मैं बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करना। और दूसरी बात ये है कि केस रिकॉर्ड से बाहर सॉल्व किया जा रहा है, तो ऑफिसर से कहना कि सारी तैयारी और पैकिंग करके आए। ठीक है सर। क्या पता किसे रुकना पड़ जाए यहाँ पर। सर अगर एसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूंगा? मैंने कहा ना, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ए पेरुमल, ये रहा प्रूफ जो तू मांग रहा था। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? अगर इससे भी तुझे यकीन नहीं आता है तो फिर तेरी बेटी के कपड़े उतार कर उसकी एक मस्त फोटो तेरे पास भेजता हूँ, देखना बिना कपड़ों के वो क्या दिखेगी। हाँ। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुझे और इसके बाद बताता हूँ कि तुझे आगे क्या करना है। और एक बात सुन, कि अगर तूने पुलिस वालों को इसमें शामिल किया ना, तो फिर तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब सुन अपनी बेटी की आवाज। ये लोग जैसा कह रहे हैं तब कीजिए डैडी प्लीज। ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं डैडी प्लीज। पुलिस की बात मत जाइए डैडी प्लीज। मैं सुबह से भूखी हूँ डैडी। मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करके बताता हूँ क्या कि तुझे क्या करना है। हेलो रवि। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे पास एक किडनैपिंग केस आया है, काफी सेंसिटिव है, इसे अनऑफिशियली डील करना है, आ सकते हो? बिल्कुल सर, आपके घर आ जाओ। हाँ तुम यहीं पर आ जाओ। वैसे जब तुम वहाँ से निकलो तो मुझे कॉल ट्रेसिंग सेटअप देना और उसके साथ उन क्रिमिनल्स की लिस्ट भी देना जो चेन्नई में पिछले साल से अभी तक एक्टिव है। हाँ मुझे ये सब चाहिए। श्योर सर। ओके रवि, ओके। अरे बाप रे, बहुत हो गया। हे भगवान,
काफी थका हुआ काम है। हे भगवान। अरे बाप रे, क्या हुआ? एक बात बताऊं डैडी, मुझे डांस करना पसंद है। मुझे पता है बेटा, अगर मैं स्कूल में होती तो मुझे डांस में फर्स्ट प्राइज मिलता डैडी। लेकिन मैं थक जाती हूँ डैडी। क्या सर, आज थके हुए लग रहे हैं? अपनी 35 साल की सर्विस में मैंने पहली बार आपको इतना थका हुआ देखा है। क्या कहा? मैं तुम्हें थका हुआ दिख रहा हूँ? रवि, मेरी रियल जॉब तो अब शुरू हुई है। मैं पहले इसे चलना सिखाऊंगा, उसके बाद गाना, डांस, बजाना सब कुछ सिखाऊंगा। हाँ, और जो सबसे जरूरी चीज सिखाऊंगा, कराटे। और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, उसके बाद लव, सब कुछ तो मुझे सिखाना है। तू कह रहा मैं थका हुआ हूँ? शी इज माय फ्यूचर। शी इज ऑल्सो माय फ्यूचर। लगता है इस बच्ची को एक भाई भी चाहिए। अब क्या कहती हो? ए, क्या हुआ जानू? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मैं चली भी जाऊं तो भी मुझसे नाराज मत होना। भगवान ने हमें एंजल जैसी बेटी दी है। नटराज, मेरे बाद अपनी बेटी का ख्याल रखना। आओ रवि, कैसे हो तुम? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय बेटा, कैसी हो तुम? I'm fine अंकल। संतोष अभी क्या कर रहा है? वो तो हमेशा अपनी पढ़ाई और एग्जाम में ही उलझा रहता है। लगता है अपने बाप पर गया पूरी तरह। अरे अगर वो मेडिकल नहीं करना चाहता है तो इंजीनियरिंग कराओ, अच्छा रहेगा वो। अब तुम मुझे पेरुमल की बैकग्राउंड हिस्ट्री जरा ट्रेस करके बताओ। ठीक है सर। आईपी लोकेशन डिटेल से कुछ हासिल हो रहा है? हेलो, जहाँ से वीडियो और फोटोज भेजे गए हैं वहाँ की आईपी लोकेशन डिटेल मिली या नहीं? हाय सर। नमस्ते। पहली आईपी मिली हमें क्रोकोडाइल बैंक जो ईसीआर के पास है, एंड द सेकंड वन ओमेगा सिटी ओएमआर की है। देखो जरा कुछ और डिटेल्स मिलती हैं या नहीं। श्योर सर। कीप फिशिंग। सर फोटोज मैच नहीं कर रही, फोटोज को दोबारा चेक कर। सुनो, वो जाना चाहिए। वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी मिल गई क्या? सारा सिस्टम ही हैंग हो रहा है, जल्दी सॉल्व करें। ठीक है रवि। सर जो लोकेशन ट्रेस हुई है ना वहाँ पर दो विश्वासपात्र ऑफिसर्स भेजो, और उनसे कहना कि जिन घरों में लॉक लगे हैं या जो घर खाली है उन्हें चेक करें। ठीक है सर। अगर उन्हें कुछ भी संदेहजनक दिखाई देता है तो तुरंत इन्फॉर्म करें। ओके सर। और वो लड़की क्या नाम था? श्वेता। हाँ हाँ श्वेता। हाँ। उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग सारी कॉल्स की डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके ठीक है सर। लोकेशन पर पहुंच गया हूं। मैंने सब चेक कर लिया है, लेकिन ये लेक एरिया है सर, यहां कुछ भी शक करने जैसा नहीं है। हो गया? नहीं, फ्लश काम नहीं करता, बाल्टी का इस्तेमाल करो। Ha ha ha!
रख दो। देखो मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले गन नीचे रख दो प्लीज। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है, तुम चली जाना। मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन मेरा भरोसा करो। तुम जो कह रहे हो उस पे भरोसा मैं कैसे करूं? बेबी, मुझे पता है मेरी गलती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। पर पहले गन नीचे करो, कहीं गलती से ट्रिगर दब गया तो क्या होगा? तुम लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे हाथ पैर बांध के यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। तुम अपनी ही गर्लफ्रेंड का किडनैप कैसे कर सकते हो? बेबी, गन मुझे दे दो, मुझ पर भरोसा रखो। बेबी, मैंने सच में कोई डबल गेम नहीं खेला है, मेरा भरोसा करो। मैं तो ये सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कर रहा हूँ बेबी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बाप रे, ये मुझे दे दो, इसे मैं अंदर रख लेता हूँ। हाँ, तुम्हें बांध लेने दो, तुम्हें रस्सी बांध लूँ। हाँ, अगर उसने देख लिया तो हमें खत्म कर देगा। वो तो यहाँ पर कभी भी पहुँच रहा होगा। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, अपना सारा प्लान बता दूंगा। अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो तुम जा सकती हो। हाँ, प्लीज बेबी, भरोसा रखो। कार चुराने वाले को तुमने देखा था? हाँ सर। और अभी तक कुछ भी नहीं किया? मैंने बहुत पी रखी थी सर। नशे में थे? वैसे भी अभी तक तुम्हारे मुंह से वही खुशबू आ रही है। चलो बताओ क्या हुआ था। संतम हाई रोड पर, मैं वहां देर रात तक था। कृपा स्वामी, इसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार स्केच बनाओ। हमने सभी डाटाबेस से मैच करके देख लिया सर, पर ये स्केच किसी भी क्रिमिनल से नहीं मिल रहा सर। अंदर बैठो, गाड़ी में बैठो। टेन सेकेंड्स। हमने सभी डाटाबेस से मैच करके देख लिया सर, पर ये स्केच किसी भी क्रिमिनल से नहीं मिल रहा सर। जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चलो अंदर बैठो। एटीन सेकेंड्स। दस सेकेंड में कार वहां से निकल गई और लड़की किडनैप हो गई। इसका मतलब ड्राइवर कोई और शख्स था। सो अब हमारे पास दो सस्पेक्ट है, सिर्फ एक नहीं। इन दोनों में से एक को हमें तो अंदर डालना ही होगा, क्योंकि वो हमेशा पुलिस की बात करता है। या तो वो हमसे बहुत डरता है या हमसे नफरत करता है। दूसरा वाला जरूर अभी नया क्रिमिनल बना है।
नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। hey! तो उससे किसी ने पूछा कि तुझे भूख है या नहीं है? चल चुपचाप खा ले। अरे कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? इधर आ। तो लंगड़ा क्यों रहा है? वो मैं रेस्टरूम में कुछ पानी की समस्या थी तो चला गया था और वहां गिर गया तो चोट आ गई। हाँ। जब मैं आया था तब तो तू ठीक ठाक चल रहा था। वो हे क्या हुआ इसे? हे जल्दी से पानी ला। क्या हुआ तुझे? हाँ हे जल्दी से पानी ला, जल्दी दौड़ के ला, ला जल्दी, ला इसे, ला पी लो। हाँ पी ले, पी ले। क्यों क्यों? हाँ रिलैक्स, ऐसे जल्दी से लेटा लेटा। अफ इस पेरूमल ने 25 साल पहले अपने नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी खोली थी। वो पिछले 4 साल से काफी घाटे में चल रही है। इस सब के बाद उसने दूल्हे के बाप से एक डील की थी, वो डील भी पूरी लॉस में गई थी सर। इस केस में एक खास बात है, और वो खास बात ये है सर कि पेरूमल ने अपने और अपनी बेटी के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। मुझे एक बात समझ में आ रही है रवि, इसमें इंश्योरेंस वगैरह की बात है तो कहीं इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उसने अपनी बेटी को तो किडनैप, तुम यही सोच रहे हो ना इस वक्त? हाँ सर। ये सब ऊपर की बातों को जाने दो, जरा अंदर तक की छानबीन करो। ठीक है, करेक्ट सर। सर ये प्रॉब्लम आईपी से हो रही है। ठीक है, चेक करके बताता हूँ। ओके सर। तुम सुबह से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हो, कुछ खा लो। नहीं सर, ठीक है सर। देखो लगातार ये फोन को देखना बंद करो और कुछ खा लो। ए अमुदा, जल्दी से कुछ खाना लगा दो, जाकर खाओ पेरूमल। उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे बताया क्यों नहीं तूने? पर मुझे भी तो पता नहीं था। हजार बार समझाया था मैंने तुझे, जिसे किडनैप किया उसके साथ हेल्थ इश्यू नहीं होना चाहिए। कब अक्कल आ गई तुझे? मैंने चेक किया था लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। कहीं वो नाटक तो नहीं कर रही? ऐसा लग तो नहीं रहा था, उस पर भरोसा रख सकते हैं? वो भागने की कोशिश भी कर सकती है, अगर ऐसा हुआ तो उसे खत्म करना पड़ेगा। क्या कहा? मतलब उसे मार दोगे? ज्यादा परेशान मत हो, रिलैक्स मामा, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मैं फोन आपको देने ही आ रही थी। क्या हुआ? हाँ ठीक है, हाँ मैं आता हूँ। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, मैं बस अपने घर जा रहा था। ओके तुम जाओ पेरूमल, हम संभाल लेंगे। सॉरी श्वेता, मुझे माफ कर दो श्वेता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब बताओगे तुमने ये सब क्यों किया?
नमस्ते। नमस्ते। सॉरी मैं लेट हो गया। हाय। एनीथिंग स्पेशल? आपको याद नहीं है क्या? नहीं है, वो हम ये सोच रहे थे कि श्वेता और अरुण की एंगेजमेंट की शॉपिंग की प्लानिंग कर ले। कहाँ है श्वेता? हा? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी फिक्स की है और वो अरुण शादी के लिए रेडी भी हो गया। अगर हमें इससे निकलकर शादी करनी है तो ढेर सारा पैसा चाहिए। ये सच है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, दाल रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो इसके अलावा और मैं क्या कर सकता था, तुम ही बताओ। इसलिए मुझे ये सही लगा। टेंशन तो इस बात की थी कि तुम्हारे पापा कहीं पुलिस में ना चले जाए, लेकिन अच्छा हुआ वो नहीं गए। एटलीस्ट मामला अभी कंट्रोल में तो है। सर, इस जगह पर सिर्फ जंगल है, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कोई कैसे आएगा? एक्चुअली श्वेता की एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उससे ही मिलने गई है। नथिंग टू वरी। डेविड को कैसे जानते हो? हम बचपन से ही एक गैराज में साथ में काम करते थे। वो किडनैपिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है। मतलब प्लान उसका है और बाकी सब तुम कर रहे हो? सर, पेरुमल को एक अननोन नंबर से कॉल आ रही है। एक्सक्यूज मी। पेरुमल। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने मेरे डैडी से कितने पैसे मांगे हैं? 8 करोड़। अगर तुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो दाम है 8 करोड़। और वो भी कैश। मेरा दिमाग खराब था, मुझे तुम्हें अपने 8 करोड़ के इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताना चाहिए था। मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, इस लिटिल हर्ट के लिए कर रहा हूँ। और सारे नोट 2000 के चाहिए, लेकिन एक ही सीरीज के ना हो। सर, मैं उसी लोकेशन पर पहुंच रहा हूं। हाँ सर। हाँ ओके सर, फोन करता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई भी नोट नकली हुआ या फिर पुलिस को तूने इन्फॉर्म किया तो फिर तेरी बेटी तो परेशान हो रहे हो और मैं टॉर्चर हो रही हूं। वो पैसा मेरे डैडी का है जो कि मेरा है। कहना क्या चाहती हो? फिर पैसे डेविड को क्यों दे? एक काम करो, प्लान के हिसाब से चलते हैं। मेरे पापा को पैसे देने दो, पर डेविड को नहीं देंगे। हम दोनों आपस में बांट लेंगे, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, फिर हम भाग जाएंगे। तो फिर डेविड? अब खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, तो डेविड हार जाएगा। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बोलो पेरुमल। सर, उसने मुझे फोन किया था। फोन किया? क्या कहा उसने? सर, इस बार उसका अंदाज और उसकी मांग कुछ अलग ही थी। कितना मांग रहा है? 1 करोड़। और उसने कहा कि 2000 की गड्डी में पैसे चाहिए और उसे सीरियल में पैसे नहीं चाहिए, और उसे पैसे ट्रेवल बैग में चाहिए। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ सर, आप आ रहे हैं ना? सर, मुझे लगता है कि हम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उसने खुद किडनैपिंग का पूरा खेल खेला है और हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। मेरा प्लान कैसा लगा? प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। क्या? एक काम करते हैं ना,
डेविड को बता देते हैं कि डेविड, मैं और श्वेता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए 8 करोड़ के हम 3 हिस्से करेंगे। फिर पैसे लेकर मैं और श्वेता अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान जाकर सेटल हो जाएंगे। ये सुनकर डेविड क्या करेगा तुम्हें पता है? वो मुझे पैसे देने से मना कर देगा क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, और उसके बाद हम दोनों को मारकर वो पैसे लेके भाग जाएगा। चलो अच्छा है, प्यार में हम दोनों अपनी जान दे देंगे, पर मेरा तो ये पहला और आखिरी प्यार होगा। चुप करो, सब कुछ जानते हुए मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। श्वेता, मैं कुछ दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता था, तुम सच में पापा से नफरत करती हो? तो तुम ये पूछ रहे हो कि मेरे डैडी के लिए इस नफरत की वजह क्या है? मेरी शादी उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस है, उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। सब कुछ हो गया क्या? वो पैसे देने के लिए मान गया? हाँ। तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जहां गया था वहां एक बाइक देखी जिस पर पुलिस का लेवल था। तो अब हम क्या करेंगे? यार इतना बड़ा है और दीवार इतनी छोटी सी, इससे तो मेरा काम इतना आसान हो जाएगा कि ये काम चुटकी में कर दूंगा। बेवकूफ, अभी आ रहा हूं मैं। इसे मैंने कैसे मिस कर दिया? सर, सर मैं आपको कोई सवाल पूछ सकती हूँ? आपने नटराज सर को पैसे की रकम गलत क्यों बताई? मेरे पास जो 8 करोड़ है उसमें से सिर्फ 1 करोड़ ही लीगल है, वो रिटायर्ड है और नटराज एक पुलिस ऑफिसर ही तो है, तो इसमें रिस्क नहीं है, इसलिए कह दिया। ओके। ओ, मसाज है। उसकी डांस क्लास से लेकर घर तक की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है। अब ट्रेवल ECR रूट की तरफ घूम रहा है। पहले उसे पहला टोल नाका मिला होगा, वहीं से उसकी कार पास हुई होगी। पर इसके भी 2 रास्ते हैं जहां वो जा सकता है, पहला OMR, दूसरा ECR। अगर OMR लिंक रोड क्रॉस करके जाएगा तो कोई सबूत नहीं मिलेगा, पर उसकी कार ने ECR वाले जैन मंदिर को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी ECR वाले रास्ते में बीच में ही कहीं होगा। लोकेशन पर जो है उस ऑफिसर से मेरी बात करवा सकते हो? सर, आदित्य, तुम्हें कोई सबूत मिला क्या? नहीं, वो कुछ ज्यादा ही होशियार है सर, यहाँ कोई छोटा सुराग भी नहीं मिला। अरे देखो, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा वहाँ। ठीक है सर। सर, यहाँ एक कार के टायर के निशान दिख रहे हैं। हाँ हाँ, उस टायर मार्क की फोटो खींचकर मुझे जल्दी से सेंड करो। ओके ओके सर। सर, फॉरेंसिक वालों ने इस निशान को चेक किया है, उन्होंने बताया है कि ये मारुति इको के निशान नहीं है। हर कार के टायर के निशान अलग होते हैं सर। बिल्कुल सही है सर, हर कार के टायर के निशान अलग अलग होते हैं सर। एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सपोज इनोवा के निशान नहीं है, इनोवा कार टायर के प्रिंट फॉर्च्यूनर, क्या फॉर्च्यूनर कार के टायर के निशान भी ऐसे हो सकते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन लोकल शॉप से बदले हुए टायर एक जैसे दिख सकते हैं सर, लेकिन कार ओनर अलग नहीं लगवाता है सर। उसके बाप को डराना होगा। तो डराओ। उसे बताना होगा कि हमारी बात न मानकर उसने गलती की। सही कहा। हम बेवकूफ लगते हैं क्या उसे? बेअकल कहीं का। ऐसा ही सोच रहा है वो। चल अब बातचीत बहुत हो गई, अब उसके हाथ पैर काट कर भेज देते हैं, तभी उसके बाप की अकल ठिकाने आएगी। चल आ जा।
मामा मामा रुको मामा मामा रुक जाओ मामा मेरी बात तो सुनो। अरे उसके हाथ पर क्यों काटे? अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मामा मामा, ये गलत है। तूने हमारी बात मानी लेकिन तेरे बाप ने नहीं मानी, उसने पुलिस को बता दिया। ऐसा लगता है उसे तेरी परवाह नहीं है। ये मुझे दे दो, मैं करता हूं। मुझे लग रहा है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। चल ठीक है, सुधर जाएगा तू भी। उससे प्यार? मैं बस इंसान की तरह पेश आया। तुम्हारी तरह के लोग जो लोगों को मारकर सीधे जेल चले जाते हैं वो क्या समझेंगे। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, इसका क्या करना है? ऐसी जगह पर पेरुमल पैसे लेकर आएगा। हमें उसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेने चाहिए। पुलिस की बाइक देखने के बाद हमें होशियार रहना चाहिए। मैं अभी आता हूं, तू गड्ढा खोद। सर रेड जैलो कार अभी जैन टेंपल क्रॉस कर रही है सर। लड़की इस जैसी कार में ही किडनैप हुई होगी, बाद में कार को दूसरे कलर से पेंट करवा दिया होगा। बेवकूफ कहेंगे। रवि देखो उस जगह से अगर एक भी ज़ाइलो कार क्रॉस करती है तो। शुरू से मुझे इस खेल में कुछ काला लग रहा था और यही वजह है कि उन लोगों ने इको कार का नंबर अभी तक चेंज नहीं किया होगा। प्रैक्टिस कर। सर इस सबके पीछे जरूर पेरुमल। तुम पेरुमल के पीछे क्यों पड़े हुए हो? लगता है तुम्हें इस केस को क्लोज करने की जल्दी है इसीलिए एक ही जगह अटके हो। देखो रवि मुझे इस केस में काफी गड़े मुर्दे निकालने हैं। पेरुमल का इंश्योरेंस सिर्फ इस हाईजैक को कवर कर रहा है, किडनैपिंग को नहीं। एक बात और भी है, वो ये बिजनेस काफी समय से कर रहा है और उसे इसमें काफी लॉस भी हुआ था। श्वेता की ये शादी उस लॉस से बचने का एक जरिया था। पता नहीं कहां होगा वो बेवकूफ, कहीं का एक नंबर का गधा है वो। ओ मामा चाइल्ड, अरे ये कौन सी इंतजार करने की जगह है? यहाँ इस कबाड़खाने में क्यों बुलाया? ऐसी जगह हमारे काम की होती है। मैंने तुझे एक काम दिया था वो भी तूने खराब कर दिया। मामा मैंने उसे एकदम करीब से बाज की तरह देखा है, अगर वो मेरी नजर से बच गया इसका मतलब वो बहुत बड़ा टैलेंटेड है। लेकिन परेशान मत होना मैं हूँ। मैं उसके घर गया, उसके बेडरूम में देखा, उसके पास एक बहुत मस्त तितली थी। अपनी आँखों से देखा? इन रंगीन आँखों से नहीं देखा तो ये परेशान हो रहा है। ये ले, इसे इस एड्रेस पर डिलीवर कर देना और अगर पकड़ा गया तो साइनाइड खाकर मर जाना। ये सब तो मेरा रोज का काम है। वैसे चाइल्ड इसमें है क्या? हाँ इसमें बाल है। तुम कुछ गुस्से में लग रहे हो, चक्कर क्या है? चल निकल यहाँ से। ओके। हे फ्रैंक वन मिनट। अब क्या हुआ? व्हाट? तुझे लगता है थॉमस का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? ब्रो व्हाट इज द लैंग्वेज? हिंदी में बोलो ना भाई, या तो फिर इंग्लिश में बोलो, या तो अपना मुंह बंद रखो। अबे थॉमस किसी के प्यार में है क्या? या, वो एक सुंदर तितली के साथ रोज घूमता है यहाँ वहाँ, देखने से कोई बड़े घर की लग रही है। या, पर तुम्हें क्या? उसका नाम क्या है? नाम वो तो पता नहीं क्या, लेकिन रोज वो एक डांस क्लास में जाती है। व्हाट मामा? क्यों? जनरल नॉलेज। कैसी नॉलेज? अजीब आदमी है ये तो, बेवकूफ कहीं का। हाँ आइए सर। शी इज माई सेक्रेटरी।
भरोसे की है। जीपीएस ट्रैकर, अगर वो तुमसे पैसे ले भी लेते हैं तब भी हम उन्हें पकड़ सकते हैं जहां वो आज पार्टी करेंगे। बहुत हिम्मत और काफी कॉन्फिडेंस के साथ जाना, वो हर हालत में। अगर दोबारा पुलिस को अपने साथ मिलाया तो अभी तो सिर्फ बाल काटे, अगली बार गला भी काट सकता हूं। प्लान चेंज हो गया है, मेरी कॉल का इंतजार करो। प्लीज आप रहने दीजिए, बस आपकी मदद हो गई, अब रहने दीजिए। मैं ये पैसे देकर मैं अपनी बेटी को छुड़ा लूंगा सर। परिमल प्लीज बात तो सर, प्लीज प्लीज, मैं सिर्फ एक वजह से आपके पास मदद मांगने आया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप साइलेंटली इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने आप पर अब भी भरोसा किया तो मुझे मेरी बेटी जिंदा नहीं मिलेगी, मुझे उसकी लाश मिलेगी सर। देखो परिमल, वो लोग तुम्हें बस डराने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? सर प्लीज आप मेरी सिर्फ एक मदद कीजिए, अब अपने ऑफिसर्स को बोलिए सब अपने घर जाएं, आप भी जाइए और बेटी के साथ कुछ वक्त बिताइए। अब मुझे मेरी बेटी को बचाना होगा। ये लीजिए, रखिए, आपकी मदद के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज जाइए जाइए। एक बात बता, तू श्वेता के बारे में क्या सोचता है? मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? बात सीधी है, तू भी जवान है, वो भी जवान है, इसलिए मुझे सवाल पूछना पड़ा। जो हम यहाँ करने आए हैं हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, तो तेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है? मैंने पहले भी कहा कि नहीं, फालतू की बात कर रहे हो। पर अब उसके लिए मेरे दिल में भावनाएं जाग रही हैं। अच्छा बोल जा, क्या चल रहा है दिमाग में? अब ये बात तुझे कैसे कह सकता हूं? नहीं बोलो। हाँ, जापान या अमेरिका लेकर चला जाऊंगा उसे, 50वें फ्लोर पर फ्लैट लूंगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी वहां, वो मेरी बाहों में होगी और कितना मजा। बता कैसे जानता है तू उसे? जवाब दे। बताता हूं, पिछले 8 महीने से उसका पीछा कर रहा था, पर अब तक उसने घास नहीं डाली। मैंने सोचा कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हाथ में आ ही जाएगी, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या, जब तुमने किडनैपिंग का प्लान बनाया तो मैंने सोचा वही कर लेते हैं। एक तो वो पहले से ही करोड़पति थी और मुझे उसके बारे में सब पता भी था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अकल बेच दी क्या? पहचान वाले को किडनैप करना रिस्की होता है। वो हमारे बारे में नहीं जानती। इसका मतलब क्या है? परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा कि पैसे मिलते ही मैं उसे बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगा, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है। मैं एक फोन करके आता हूं, अभी आता हूं। हाँ।
सर गुड मॉर्निंग। एक मिनट सर, हमने सारी फोन कॉल ट्रेस की है सर, और उन सबको बहुत ध्यान से देखा है, बहुत जल्दी हम उन तक पहुँच जाएंगे सर। मेरी बात सुनो, तुम सब लोग अपना अपना काम रोक दो प्लीज। क्या हुआ सर? पेरुमल ने इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कहा है। उन किडनैपर्स ने लड़की के बाल काटकर उसकी फोटो भी घर पे भेजी है। पुलिस की वजह से उसे धमका भी रहे हैं। बेचारा काफी डरा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम पर उसका विश्वास भी अब उठ चुका है। सर अगर किडनैपर चाहते तो लड़की की उंगली काटकर भी भेज सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ बाल काटे हैं और एक फोटो भेजी है। एक बात तो पक्की है सर, वो लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रवि ये तुम पुलिस वाले के नजरिए से कह रहे हो, एक बार जरा उसके बाप की जगह अपने आप को रख कर देखो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप सभी लोग मेरे एक बार कहने पर यहाँ पर आ गए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और हाँ, वो ऑफिसर्स जो आईपी लोकेशन पर हैं, उनसे कह दो वो घर जा सकते हैं। नहीं सर, रहने दीजिए ना। पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं तब मेरा खून खौलता है, ये रिश्वत नहीं मेहनत के हैं। रख लो इसे। लो सर। रवि ये लो, आ गए हो, जल्दी आ जाओ। ये लो। गुड इवनिंग नटराज सर। आ जाओ बेटा। अच्छा तो आपकी इंक्वायरी बहुत अच्छे से चल रही है। अरे वो तो एक छोटा सा केस था, तुम अपना काम करो। सर एक बात बताए बिना मुझे चैन नहीं आएगा, श्वेता एक नंबर और इस्तेमाल करती है। इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल जाती थी, और वो भी छोटी मोटी बात नहीं होती थी, बहुत देर तक बात करती थी, और वो भी रात में। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? 100% सर। जिससे बात करती थी उसका नाम थॉमस है। श्वेता के किडनैप के जस्ट पहले इसी नंबर से कॉल आई थी सर, और जिस समय कॉल आई थी उस समय दोनों नंबर्स की लोकेशन सेम थी, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। बाकी की डिटेल्स इन पेपर्स में सर। ओके रवि। श्वेता सॉरी यार, अगर मैं तुम्हारे बाल नहीं काटता तो वो शैतान तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाता, तुम उसे जानती नहीं हो। हे सुनो, एक और जरूरी बात है। क्या? मैं वहां के बताता हूं। तुम्हारे बाल काटने से पहले तुम खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कोई बात नहीं, 8 करोड़ के लिए कुर्बान कर दिए। एक बैड न्यूज भी है। क्या? डेविड को डाउट हो गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। ओहो, वो तो मुझे डराने लग गया, उसका हाथ हथौड़ा है। अब जब तक पैसे नहीं मिल जाते सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो हम पैसे की फिराक में थे, लेकिन अब प्लान क्या है? मेरे पास दूसरा प्लान है। क्या सर, इसे सुबह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो क्या है, सुबह से ही ये डांस कर रही थी। सर मैं जानती हूँ आप इसे खुश देखना चाहते हैं, पर अभी हमारी प्रायोरिटी है कि ये हेल्दी रहे, है ना? प्रिया अब स्कूल जाना चाहती है, तो सोच रहा था कि इसे अगले महीने से स्कूल भेज दूँ। इट्स अ रिस्क, पर प्रिया और बच्चों से काफी होशियार है। सर क्या आप वो एक्सरे रिपोर्ट्स और ऑक्सीमीटर रिपोर्ट्स ले आए हैं? हाँ है ना। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? ऑल गुड, और स्ट्रांग हो जाओगी, बिल्कुल झांसी की रानी की तरह। रास्ता खत्म होने तक चलते रहो, वो तुम्हें जंगल तक पहुंचाएगा। तुम्हें वहाँ एक पुराना कुआं मिलेगा, उसके पीछे जाओ। हमने वहाँ एक गड्ढा खोद रखा है, उसमें पैसे रख देना और निकल जाना वहाँ से। बाय बेबी। बाय, टेक केयर। सर ऐसा लगता है आपकी टीम में से कोई ये सामान भूल गया है। वो लोग वहीं कहीं कैब लेने के लिए गए होंगे। अच्छा पिया की ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? इम्प्रूवमेंट ज्यादा नहीं है सर, आई एम लिटिल वरीड।
मैंने इस वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के बारे में पढ़ा है, क्या हम वो ट्राई कर सकते हैं? वैट ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है सर। ओ। उसके लिए आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके डोसेस बढ़ा दूँ, और एक साल हो गया है तो हम डोसेस बढ़ा सकते हैं। इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कोई और रास्ता देख लेंगे। आपने कहा काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, मतलब कितने पैसे लग सकते हैं? शायद 1 करोड़। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी अनफेयर प्लेस। आपने ज़िंदगी भर अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पैसा जमा किया, लेकिन पिया के साथ भी यही हो रहा है सर। आपको उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रिमेंबर शी इज़ अ हाइपोथर्मिया पेशेंट। अगर उसका टेम्परेचर घटा तो फिट्स आ सकते हैं, ऐसे में आपको तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर। हाँ ओके ओके सर, बाय सर। श्वेता एक नंबर और इस्तेमाल करती है। इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल जाती थी, और वो भी छोटी मोटी बात नहीं होती थी, बहुत देर तक बात करती थी। जिससे बात करती थी उसका नाम थॉमस है। हेलो, हमारे प्लान में एक चेंज और हुआ है, ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे एक बैग में पैसे लेकर आने को बोला था, लेकिन अब दो बैग में तुम पैसे लाओगे। तुम्हें ईसीआर के पास एक हॉल मिलेगा, वहाँ एक बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा है ट्रेस पासिंग प्रोहिबिटेड। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आना, वहाँ राइट साइड पर एक टूटा हुआ पेड़ मिलेगा, वो सड़क तुम्हारे जैसी ही ऊपर खबर है। वहाँ कार रोकना और चलते चले जाना, तुम एक बांस के जंगल में पहुँच जाओगे। वहाँ एक ढकी हुई कार दिखेगी, पैसे उसे में रख देना। ठीक है, और मेरी बेटी? पैसे वहीं रखकर जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस चले जाना, जहाँ तुम्हें एक टनल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी बेटी वहीं पर मिल जाएगी, उसे वहाँ से ले जाना। तुम्हारी बात पे यकीन कैसे करूँ? तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बताई जगह पर पैसे लेकर आता हूँ, प्लीज। एक बात और, अपने घर से निकलने से पहले अपना मोबाइल बंद कर लेना। अगर मैंने तुम्हारे आसपास एक भी पुलिस वाले को देखा या मुझे जरा भी शक हुआ, तो मैं मेरे मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है, बेचारे मेरे डैडी, तुम उन्हें इतना मत डराओ। अगर मेरे डैडी ने पुलिस को बुलाया तो तुम तो मुझे मार ही डालोगे ना। ऐसा ही करोगे ना? ये सब तो मैं तेरे लिए ही कर रहा हूँ, मेरे शरीर आत्मा सब कुछ ये तो तेरे लिए ही है। तुम्हें बांधने का वक्त आ गया है, प्लीज 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 प्लीज। मेरा, आरोग्य स्वामी और आपकी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट माइकल चर्च, देवनारी। फादर कैसे हैं आप? मैं नटराज बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर नटराज, ये देवनागरी शहर के पास में सेंट माइकल चर्च है, आप जानते हैं इसके बारे में? वो चर्च तो अभी बंद हो चुका है, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी तभी चर्च को बंद कर दिया गया। ठीक है फादर, जरा आप मुझे वहाँ के डिटेल्स भेज सकते हैं?
सब ठीक है ना? पासपोर्ट? पहली बार मेरा पासपोर्ट बना है, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना था। कहाँ है मेरा पासपोर्ट? कार में। हाँ थॉमस, गन मुझे दे। मैं इसे बस सेफ्टी के लिए रखता हूँ। बुरा नहीं है, इस फोटो में स्मार्ट लग रहा हूं मैं। मामा मैं एकदम मस्त हीरो दिखता हूं ना? लेकिन तुम तो एकदम जोकर लग रहे हो। इस गन में 8 बुलेट्स थी और एक तो पहले ही चला चुका है, तो इसमें 7 होनी चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 5 हैं। वो मैं चला कर प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस कर रहा था? सब कुछ कार में डाल, मैं उसे तैयार करता हूं। वो मैं कर देता हूं। जाना, मैं तेरी प्रेमिका का ध्यान रखूंगा। अपने प्यारे प्रेमी को ढूंढ रही है? अगर आज मुझसे कोई अपनी आखिरी इच्छा पूछे तो मैं कहूंगा मुझे एक बड़ा घर चाहिए जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हों, स्विमिंग पूल हो, ताकि मैं ऐशो आराम कर सकूं। अगर यही सवाल थॉमस से पूछा जाए तो पता है वो क्या मांगेगा? एक कार जिसमें अगल बगल खूबसूरत लड़कियां हों। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तो जैसे अमीर बाप की औलाद अपनी आखिरी इच्छा में क्या मांगेगी। सीधे सीधे बोलो, मेरे डैडी पैसे देने के लिए आ रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? उसका काम ही है पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना और फिर उन्हें इस्तेमाल करना, फिर उन्हें डराना, धमकाना और खत्म कर देना। वो मुझसे ही ये सब काम करवाता है। और हाँ एक बात और, काम के बाद तुझे भी मारने का प्लान है, तुझे बताया नहीं? रेड पॉइजन, नींद की दवा और ये बॉटल। तुझे क्या पसंद है? पैसे मुझे मारने के नहीं, लौटाने के मिल रहे, इसलिए तो मुझे मार नहीं सकते। अब समझ में आया कि तेरा बाप तुझ जितना चालाक नहीं है। तो उसने ये नहीं कहा कि पैसे के बदले तुझे ले जाएगा। अब तुझे जिंदा रखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्या हुआ, तुझे क्या लगता है कि वो हीरो की तरह एंट्री मारकर तुझे बचा लेगा? और एक बात बता दूं तुझे, वो तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था। तू उसकी पहली प्रेमिका नहीं है, चौथी है, पर हां कहूंगा कि तू उन सब में सबसे खूबसूरत है, ये सच है। सोच रही होगी कि ये सब मैंने तुझे क्यों बताया। बिना सस्पेंस के अगर तुझे मार दिया तो फिर उसमें वो मजा नहीं आता। तुझे नहीं पता कि इस दिन के लिए हमने कितने पापड़ बेले? हाँ मैं थॉमस को अच्छे से जानती हूँ, तुम पर यकीन नहीं है। क्या जानती है? मैं उसका मामा हूँ, ये जानती है तू? जब वो 8 साल का था तब उसकी माँ चल बसी। तुझे पता है कि उसकी मां को उसके बाप ने मारा और उसके बाप को मैंने? मैं ये सब नहीं मानती।
अब मान भी जा, अपने दिल को इतना दिलासा देना भी ठीक नहीं। तू तो पढ़ी लिखी है ना, तुझे प्लान नहीं दिखता। पर हम इसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बता कौन सी मौत पसंद है तुझे? मुझे जाने दो, मैं इस किताब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, भरोसा करो प्लीज। पंख कटने के बाद उड़ान भरने की सोचने का क्या फायदा। पर मुझे एक डाउट है, तुम दोनों ने उन 8 करोड़ को हड़पने का प्लान क्या बनाया है? हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने की और खुद ही 8 करोड़ हड़पने की सोची? हाँ माइकल चर्च और वहां हो रही गतिविधियों के बारे में सब पता था। मुझे यह भी पता था उस खंडहर में तुमने अपने पार्टनर के साथ मिलकर लड़की को छुपाया, और मुझे यह भी पता है उस पार्टनर का नाम थॉमस है। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पर मारकर उस लड़की को बचा सकता हूं, पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं। यही तो मैं भी सोच रहा था, पुलिस वाले बिना वजह कहीं नहीं जाते। चुप! तेरी एक गलत जुबान तेरी जान ले सकती है। क्या बोला रहे तूने? क्या मैं तुझे एक बार फिर से अरेस्ट करके 15 साल के लिए वही काल कोठरी में भिजवा दूंगा? भूल जा। सोच रहा है मुझे ये सब कैसे पता है? मुझे तेरे अंडरवियर का नंबर भी पता है, 90 है ना? मेरी बात मान लो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। जैसे ही तुम्हें पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें वही मिलूंगा। हाँ, फोन भी है साथ में, उसका क्या काम है? पकड़े जाने के बाद भी अपने पार्टनर को बचाना चाहते हो? लानत है तुझ पर यार, फ्यूचर बनाने के लिए इतनी मेहनत की है ना? अब तक यही प्लान बनाते रह गए कि तुम्हें किसे किडनैप करना है। सच बताओ मुझे। मुद्दे की बात पर आओ। कुछ खास नहीं, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, भरोसेमंद है, और तुम्हारे पार्टनर की प्रेमिका भी है। वो तो 2 सालों से उन दोनों के बीच सच्ची मुच्ची प्यार चल रहा है। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, बेकार बोल दिया। जाने दो, चलो मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर याद रखो, तुम्हारी नकेल जो है ना, वो सिर्फ मेरे हाथों में है। अगर तुम चालाक बनोगे तो मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। क्या हुआ, ये बेहोश क्यों है? क्लोरोफॉर्म का असर है। कितना इस्तेमाल किया मामा? मरेगी नहीं, चल जल्दी निकल। और उसे स्पॉट पे छोड़ के आ जा, उसका बाप वहां से उसे ले जाएगा। ध्यान से, तुम भी ध्यान रखना। श्वेता बेबी, बस 2 दिन और,
हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, तुम मेरी बाहों में होगी, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों खुशहाल जिंदगी जिएंगे, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तूने हर बार मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम फेल हो चुके हो। मेरे प्यारे भांजे, मैं तेरे पीछे कहीं भी पहुंच सकता हूं। थॉमस, क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया क्या? बाहर आ जाओ। करीब मत आना वरना मैं लड़की को खत्म कर दूंगा। ना तेरे पास लड़की है और ना पैसे हैं। कार से बाहर निकल। तुम कौन हो तुम? मैं तुम्हारी सास का ससुर हूँ। तुम पुलिस हो? या तुम तो रिटायर्ड ऑफिसर जैसे लग रहे हो, तो अपनी सर्विस क्यों कर रहे हो? हाँ, उन लोगों ने मुझे वापस बुला लिया है। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे लॉक क्यों किया है? मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि लड़की कहां पर है, जाकर उसे बचा लो और सरकार से मेडल ले लो जाकर। ओए बुड्ढे, सुनाई नहीं दे रहा है? तमीज नहीं हो जो दूसरे का बैग छू रहे हो। ओए, मुझे जाने दो। ओए, मैं खुश हो गया तो तुम्हें अच्छी टिप दे दूंगा। अपनी टिप लो और निकलो यहाँ से। सुनो, इन पैसों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। भाई भाई, मुझे लगता है कि आप बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं, तो एक काम करते ना, आधा आप रख लो आधा मैं ले लेता हूँ। मेरी माँ बीमार है, बहन की शादी भी करनी है, सर मुझे बहुत सारे खर्चे। सर सर सर, बहुत ही सुलझे हुए ऑफिसर लगते हो, मुझे खोल दो ना सर। सर मेरा हाथ तो खोल के जाओ। सर 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 प्लीज सर सर। मुझे लगा था तुम लोग मेरा कैरेक्टर समझ जाओगे। रही बाकी पैसों के हिस्से की बात, तो तुम और डेविड आपस में बांट लेना। कैच। ओए, तुम डेविड को कैसे जानते हो? ओए, जवाब देके जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम डेविड को कैसे जानते हो? बचपन में हम दोनों एक साथ गैरेज में काम करते थे। तुझे पता है मैं उसका मामा हूँ। वो तुझसे प्यार नहीं करता, तेरा इस्तेमाल कर रहा है वो।
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने धोखा नहीं किया, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अरे तुम ही तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे ना? चलो देखते हैं। Are you all right, बेटा? Yes, Daddy. Good. क्या आपका काम खत्म हो गया? बहुत अच्छे से खत्म हो गया। वो लोग गलत इंसान थे, Daddy. इस दुनिया में कोई गलत नहीं होता है बेटा। आपका मतलब है सभी इंसान सही होते हैं, Daddy? ऐसा तुमने पहले कभी नहीं कहा। अरे आप तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, Daddy. बैग में क्या है, Daddy? बैग में पैसा है। इतना सारा पैसा? क्या है, मैं अपनी बेटी को सिंगापुर ले जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी, फिर वहाँ से वापस आकर स्कूल ज्वाइन करना है, और फिर हम दोनों आराम से गाएंगे भी और डांस भी करेंगे। ये क्या, और ठंडे बेटा तुम अंदर आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ प्लीज। क्या हम यही गाना गाएं, डैडी? शुरू हो जाओ। तूने फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया ना? मैं मानता हूँ मुजरिम हो, तो तुम भी कोई संत नहीं हो। बचपन है चार दिन का, कट जाए हंसते हंसते, सब पर हमेशा रब की रहमत रहे बरसते। हेलो, ए बेटा क्या हो गया बेटा? ठंडी लग रही है डैडी। ए पिया, हीटर, हीटर, ये हीटर भी काम नहीं कर रहा है। हीटर बेटा, बेटा मैं जेल से भाग कर आया तो सोचा था कि रिश्ते जिंदा होंगे, पर तू तो आस्तीन का सांप निकला मेरे लिए। मैं तुम्हें क्यों अपना था बताओ, क्यों? श्वेता के आने से मेरी जिंदगी बदल रही थी, सब उसी के लिए कर रहा था मैं। मैंने उसके साथ शांति से जीने का एक सपना देखा था, तो क्या गलत है? बोलो गलत है? तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सिर्फ तेरे खातिर मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। हमेशा वही बात, सच बताओ तुम जेल में कैसे गए थे और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने तो मुझे यहाँ पर एक जानवर की हालत में मरने के लिए छोड़ दिया था ना। तुम्हें सड़क पर पड़ा वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, कौन अपने बारे में नहीं सोचता, लेकिन मुझे जीना था, मैं अपने फ्यूचर को बनाऊंगा। डॉक्टर, डॉक्टर, हेल्प, हेल्प, हेल्प।
12 साल की उम्र में डेविड ने मुझे रहने को खाना और काम दिया। 15 साल की उम्र में शरवन ने मुझे मैकेनिक का काम दे दिया। जब मैंने उनके लिए नहीं सोचा तो 18 साल की उम्र में कुमार ने 8000 रुपए देकर जेल से मेरी बेल कराई। सभी अजनबियों ने मेरी मदद की, लेकिन तुमने क्या किया? डॉक्टर, तुम अभी वो डेविड नहीं रह गए मामा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और ना ही मुझे तुमसे कोई लगाव रह गया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस गेम में मैं तुम्हारी जान ही क्यों ना ले लूं। पिया उठ जाओ प्लीज, पिया, पिया उठ जाओ, पिया, पिया देखो मुझे, पिया, पिया अपने आंखें खोलो बेटा, पिया। जेल गया मैं 20 साल की उम्र में, कोई नहीं था मेरे पास। एक रात भी चैन से नहीं सो पाया क्योंकि तुझे अकेला छोड़ गया था। सालों तक एक वक्त ही खाता रहा मैं, बाकी डेविड भाई को खिलाता रहा, क्योंकि उसने तुझे काम और पैसा दिया था। सिगरेट और शराब की स्मगलिंग के चक्कर में पुलिस ने तुझे पकड़ लिया था तो मैंने शरवन को भेजा, क्योंकि वो मेरे साथ जेल में था। 2 साल जेल के किचन में काम करके मैंने 8000 रुपए कमाए और सारे पैसे दिए तेरी जमानत कराने के लिए। डेविड भाई, शरवन और कुमार सभी को मैंने भेजा था ताकि वो लोग तेरी मदद कर सकें। आज वो सारी बातें बेकार लगती हैं। तो क्या करना चाहता है? पैसे चाहिए तुझे? ले ले और निकल जा। यही मान लूंगा कि मेरे पापों की सजा मिल गई मुझे। ले जा, जा और उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी जी। हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है, पैसा ही सभी के भरोसे का इम्तिहान होता है। ये वही पैसा था जो सबकी समस्या का समाधान कर सकता था। हम पैसे को हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, पर पैसा सिर्फ ईमानदार लोगों के काम आता है।